नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपका देवभूमि मेरे न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ हैं हमीरपुर कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर जी। ठाकुर जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 6 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने एक बहुत ही हिमाचल प्रदेश के अंदर मजबूत संगठन खड़ा किया है। संगठन और जो है वो मजबूत है और एकजुट है। हालांकि कुछ बीच विवाद चलते रहते हैं, कुछ टिप्पणी चलती रहती है, परंतु कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एक बहुत बड़ा परिवार है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके द्वारा जो शब्द बाणे छोड़े जा रहे हैं उससे जो सच में कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो आहत महसूस कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही कि इस तरह से टीका टिप्पणियाँ जो की जाती हैं और संगठन के ऊपर जो टीका टिप्पणी की जा रही है, संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इन शब्दों से आहत हुआ है। हिमाचल कांग्रेस में राठौर साहब को अध्यक्ष पद पर नवाजा गया है, कितनी उम्मीदें रखते हैं आप उनसे? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी नियुक्त हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 6 साल के कार्यकाल के अंदर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक संगठन को खड़ा किया है वो उन संगठन को आगे लेकर आएंगे और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है संगठन जो है वो उन लोकसभा चुनावों में एक अहम भूमिका निभाएगा। कालाम के गजो में अभी कांग्रेस के विधायक द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें आप सभी लोग नदारद थे, कुछ बताएंगे क्यों नहीं आ पाए आप लोग? देखिए, जहाँ तक गजो में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में मैं तो निजी कारणों से कहीं बाहर था, परंतु कोई भी जो ऐसा कार्यक्रम किया जाता है उसमें ब्लॉक जहां से संबंधित जिस भी जगह कार्यक्रम किए जाते हैं वहां के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको भी विश्वास में लिया जाना जरूरी है, क्योंकि संगठन जो है वो जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है उसकी एक अहम भूमिका होती है, एक संवैधानिक पद होता है और उनको भी विश्वास में लिया जाना जरूरी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आहत महसूस कर रहा है उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए, मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि सभी एकजुटता के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और हमें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और आज वो एकजुटता का परिचय दें और साथ में वो आहत ना हो, आने वाले कल में जो उनकी जो उम्मीदें हैं वो भी परिपूर्ण होंगी और हम लोग एकजुटता के साथ जो है लोकसभा चुनावों में जाएंगे। हमीरपुर में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए आपकी तरफ से कौन से नए कार्य कर रहे हैं आप लोग, या कोई आप रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता बिखरे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता आहत महसूस कर रहा है वो भाजपा ज्वाइन कर ले रहा है, आपकी तरफ से ऐसे कौन से कार्य किए जा रहे हैं कि जो आहत कार्यकर्ता है वो आपके साथ ही पार्टी में रहे और एकजुट रहे? हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति पार्टी से नाराज है या किसी व्यक्ति विशेष से नाराज है, कोशिश करेंगे उनमें आपसी सामंजस्य बैठे और वो पार्टी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ चलें। मेरा यही प्रयास रहेगा आगे चलकर कि भी ऐसे पार्टी जो है जो पदाधिकारी हैं वो पार्टी ना छोड़ें और जहाँ कहीं भी अगर कमी है तो उसको कमी को दूर करने के लिए मेरे प्रयास रहेंगे कि वो उनको मिल बैठ के वहाँ पर उसको सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद सर।